हाय दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप सब सही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज से आप मुझे अपना नया दोस्त समझ सकते हो। और मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज से। और मैं यूपी बड़ादौर में रहता हूँ। चूँकि मैंने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि फ्यूचर में मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं फ्यूचर में एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और यही कारण है कि मुझे टेक्नोलॉजी का इतना क्रेज़ है, टेक्नोलॉजी की काफ़ी नॉलेज है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने हाई स्कूल में अपना पहला कंप्यूटर लिया था, और उस कंप्यूटर को जानकर, उस कंप्यूटर को लेकर मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसके बेसिक्स को ख़त्म कर दिया था। मैंने 3 दिन के अंदर ही उसके बेसिक्स को सीख लिया था कि रैम क्या होती है और कि प्रोसेसर में ALU, CU, MU क्या होते हैं और काफ़ी कुछ। लेकिन मुझे अभी भी कुछ मज़ा नहीं आया था, मुझे थोड़ा और जानना था कंप्यूटर के बारे में। तो इसीलिए मैंने मे बी 2014 में एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था, जो कि 1 साल का था, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। लेकिन उसमें भी उतना मज़ा नहीं आया था, क्योंकि मुझे और कुछ और बहुत कुछ जानना था। उसमें इतना कुछ नहीं सिखाया गया था जितना कि मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मुझे तो और जानना था। तो इसीलिए मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश ट्यूटोरियल देखना शुरू किए, जिसमें कि मैंने सीखा कि स्टैटिक मेमोरी क्या होता है, वर्सटाइल मेमोरी क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसर में MU, LU और CU क्या होते हैं, रैम क्या होती है, उसमें किस तरह से चार्ज जाता है, किस तरह से रैम काम करती है, और जो 3D मूवीज होती हैं स्पेशली, वो किस तरह से काम करती हैं। क्योंकि हम में से कई लोगों को गलत फहमी होती है कि हम भी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। हम 3D नहीं बल्कि 4D और उससे आगे की डायमेंशन में जी रहे हैं। मैं इस टॉपिक को भी अपनी किसी वीडियो में कवर करूँगा। फ्रेंड्स, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी को और करीब से जानना चाहते हैं, अपनी भाषा में जानना चाहते हैं। तो ऐसे में, और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे में हमें काफ़ी होती है तकलीफ। और अगर हम अपने टीचर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, उस अपने टीचर से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें कभी कभार संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर टीचर एक जैसा होता है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछकर और जवाब ना मिले तो हार कर बैठ जाते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो तब तक सवाल करते हैं जब तक उन्हें ऐसा जवाब ना मिल जाए जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने इसके लिए बुक्स पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया, जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। भले ही मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टेक्नोलॉजी की बहुत सी नॉलेज है, जो मैं आप लोगों के साथ हिंदी में शेयर करना चाहूँगा अपने चैनल पर, जिसका नाम टेक्निकल वर्ड्स रॉक है। मैं इसमें शुरू में तो आपको बेसिक्स बताऊँगा, कुछ छोटी मोटी बातें, लेकिन फिर हम जाएंगे एडवांस की तरफ। हम फिर थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, जिस तरह की एडवांस नॉलेज केवल जीनियस लोग ही लेना पसंद करते हैं। तो आप में से आई होप कई जीनियस लोग तो होंगे। मैं आप लोगों को सब कुछ हिंदी में सिखाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दी जाए लेटेस्ट नॉलेज टेक्नोलॉजी की, और ऐसी बातें जो कि हर कोई नहीं बताता। मैं संडे को अपलोड करूँगा एक फैक्ट वीडियो, जिसमें होंगे टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स जो मे बी आपने नहीं सुने होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।